आईएचआरसी इसके पूरे प्रयासों पर लगी हुई है और ये जिस दिन ये वक्त आएगा तब सरकारों को भी अपना रुख बदलना पड़ेगा। मानव अधिकार अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इसको आपको समझना है। और इसके अलावा यहाँ पे जो टीचर्स प्रिंसिपल जो यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे एक संदेश देना चाहूंगा। हमने तमाम राज्यों में काम करते हुए शिक्षा मंत्रियों से भी अपील की है कि जो मानवाधिकार का जो पाठ है, मानवाधिकार की जो हमारी 30 धाराएं हैं, उसको किसी भी तरीके से आप अपने बच्चों के स्कूली पढ़ाई में लाएं। एक एक करके अगर आप आर्टिकल सिखाएंगे तो शायद स्कूलिंग अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद बच्चे उसको पूरी तरीके से 30 आर्टिकल समझ पाएंगे, और वो समझ पाने के बाद उनको जीवन में किसी भी चीज का सामना करने के लिए वो पीछे नहीं हटेंगे, वो आगे तत्पर रहेंगे, क्योंकि उनको अपने अधिकार पता है, अपने अधिकार की लड़ाई। और अधिकार लेना अपना हक है, अपना अधिकार है, वो अपने को लेने आना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या है ना कि सही जगह पे अप्रोच नहीं कर पाते। वो अप्रोच के लिए आपको पूरे तरीके से सबसे पहले अपने अधिकार समझने पड़ेंगे। तो जो टीचर प्रिंसिपल है यहाँ पे जो आज आए हुए हैं आज के कार्यक्रम के लिए, जिनको सम्मान मिलेगा, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ हमारे इस मंच पे। और मैं ये एक इच्छा चाहता हूँ उनसे कि आप लोग कोशिश करेंगे तो शायद किसी सरकार का इंतजार ना करें, किसी आदेश का इंतजार ना करें, और इसको अपने स्कूली छात्राओं के बच्चों के अंदर आस्ते आस्ते पिरोना शुरू करें, ताकि वो अपने जीवन में अपनी लड़ाई लड़ सके। ये और एक मैं छोटा सा एक संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ इसी मंच से कि जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ देर के लिए हमें अपने आप को पहले जस्टिस समझना जरूरी है। कि जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं, जब हमारे हाथ में कोई केस आता है, तो अक्सर हमने देखा है कि कार्यकर्ता शायद उस वक्त पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, एक पक्ष पे चलता है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास केस होता है उतने वक्त पे हम उस टाइम पे उस केस के लिए जस्टिस है, और हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि जो भी प्रतिक्रिया आए, जो भी जजमेंट आए हमारा, वो पूरा पूरा न्याय की तरफ हो, और अगले बंदा जो दुखी पीड़ित आया है, क्योंकि हमारे मंच पे लोग तभी आते जाते जब उनके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सारे दरवाजे बंद होने के बाद जब हमारे दरवाजे पे आता है तो उसको सक्षम और पूरी तरीके से न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले किसी भी केस को पूरी तरीके से छानबीन हो, ये ना कि केस सुनकर आपने तुरंत एक्शन ले लिया। इस चीज में पूरी छानबीन हो, उसके बाद में अपना कदम एक एक करके आगे बढ़ाइए, क्योंकि जस्टिस जरूरी है अगर जाने अनजाने। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मानव अधिकार का दबाव इस तरीके से होता है कि लोग अक्सर उस हमारे लेटर पर भी लोग जल्दी से जल्दी काम कर देते हैं। सरकारी दफ्तरों में प्रशासन बहुत जल्दी काम कर देता है, बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं, लेकिन कहीं आगे जाके हमको ये एहसास ना हो कि हमसे कोई गलती हो रही, हमारी तरफ से कोई गलत चीज हो गई, हमने किसी बेगुनाह के साथ में कोई गलत चीज कर दी। इसलिए सबसे पहले इसकी पूरी जांच की जरूरत है, और जांच करने के बाद ही आगे बढ़े। अगर कहीं आपको कोई भी संकट है तो उसके लिए आपकी आईएचआरसी हेडक्वार्टर आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सनी सर, यू आर रियली एन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। सही कहा मैंने? सही कहा या नहीं? ऑलराइट, जी हाँ, तो जोरदार तालियां हो जाए आपके फाउंडर आज आती फाउंडर सनी शाह जी के लिए। जी हाँ, मैं भी एक साल से जुड़ी हुई हूँ आप सबके साथ, और मैं खुद देखती हूँ कि किस तरह से उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरो के रखा है। जी हाँ, हम सब उनके फुटस्टेप्स फॉलो करते हैं, जिस तरह से हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के फुटस्टेप्स फॉलो करते हैं। और आज उनके सम्मान में यह अवार्ड फंक्शन रखा गया है, जिन्होंने कहा था कि मेरे जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में हर साल मनाया जाना चाहिए। और हम लोग सब बचपन से अपने स्कूल्स में टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड टुडे वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। ही वाज ट्रूली अ फिलोसोफर, an excellent educationist, a true humanist, who had brought a positive change in the nation with just a right mixture of jobs and challenges. He believed in the power of education and believed that a good education could solve all the ills of the society. Hum sab log unke aadarsh aaj bhi follow karte hain.
बहुत सारे परफॉर्मेंसेस एंड अवार्ड आर कमिंग, सिर्फ थोड़ा सा इंतजार आप. दोस्तों, मुझे आप सबको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बीच फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान साहब यहाँ पे आ चुके हैं. अभी कुछ ही देर में मैं उनको स्टेज पे लेके आऊंगा. वो अपने हाथों से उन लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने इस देश के और समाज के लिए बहुत कुछ किया है. दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी अपनी ये संस्था 27 स्टेट में काम कर रही है. आज से 5 साल पहले जब मेरे दोस्त सनी शाह साहब ने ये कोशिश की थी कि हम इस समाज में कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, जैसा कि अभी सनी साहब ने कहा कि हम अकेले ही चले थे जानवी मंजिल, मगर लोग जोड़ते गए, कारवा बनता चला गया. उस वक्त हमने ये नहीं सोचा था कि हमारी ये संस्था एक दिन इतने बड़े पैमाने पर इस देश के लिए काम करेगी. आज मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, आज हमारे इस शो में सिर्फ मुंबई से ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं. कुछ राजस्थान से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, पंजाब से आए हैं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हुए. दोस्तों, ये आप सबका प्यार है, ये आप सबका आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आज हमारी नहीं बल्कि आप सबकी ये संस्था आज इस ऊंचाई तक पहुंची है. और आने वाले दिनों में हमारी इस संस्था की ये प्रोग्राम सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी होंगे, पंजाब में भी होंगे, उत्तर प्रदेश में भी होंगे, जैसा कि हमारी अपनी कमेटी ने ये सोचा हुआ है. तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका अपना साथी, आपका भाई, आपका बेटा रामा मेहरा आप सबको प्रणाम करता हूँ. दोस्तों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज सुबह सुबह जो प्रोग्राम हमने रखा और आप सब लोग इतनी तादाद में यहाँ आए हुए हैं और हमेशा आते रहेंगे. दोस्तों, मैं मुश्ताक जी को चाहूंगा कि वो 2 मिनट के लिए स्टेज के सामने जाके बैठे. बॉलीवुड स्टार मुश्ताक खान इज अमंग अस, आपकी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए. एंड वी शैल नाउ बिगिन विद द अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी पार्ट 11. जी हां, फिल्म एक्टर मुश्ताक खान, द बॉलीवुड स्टार फ्रॉम मुंबई इज अमंग अस. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. मुश्ताक भाई, आपका हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल में स्वागत है. मैं बहुत आभारी हूं आपका, आप इतना कीमती समय निकाल के यहां पे आए हुए हैं. मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा 10-15 मिनट मेरा प्रोग्राम देखें, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोग्राम कहता हूं.